सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन के तहत आज शहर के रेल स्थानक पर कृषि संगठन द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया। साथ ही इस समय मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीते कई दिनों से किसानों द्वारा कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। उसी के तहत आज संयुक्त किसान मोर्चा और महाराष्ट्र राज्य शेतकरी यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में रेल रोको आंदोलन किया गया। इस समय किसान संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुलिस GRPF और RPF के तगड़े बंदोबस्त के चलते किसान संगठन रेल रोकने के प्रयास में असफल रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने किसान नेता बनकर और कॉमरेड नेता लाटकर इनसे बातचीत की है। आइए डालते हैं एक नजर क्या कहना है किसान नेताओं का। एक बचा है अभी दो सरकार द्वारा आंदोलन कर रहे हैं, उसी के तहत जो है किसान संगठन द्वारा जो है आज रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, क्या बताओगे? संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा किसानों का, उसने आह्वान किया आज पूरे देश में, ये देशव्यापी रेल रोको आंदोलन है। जहाँ किसानों के गांवों से लगे हुए रेल के पूरे वह जाम होना शुरू हो गए, जहाँ तक है नागपुर ये मेट्रोपोलिटन शहर है, निसंदेह कंटिन्यू प्रोग्रामों के कारण हमने इसको नागपुर शहर रेलवे स्टेशन के सामने ये प्रदर्शन हम कुछ कर रहे हैं। पुलिस का काम पुलिस करेंगे, हमारा काम हम करेंगे, हम रेल रोको का काम करने जा रहे हैं। निसंदेह कि ये तीनों कृषि कानून रद्द हुए अगर किसान वहाँ से हटेगा नहीं, ये लगातार देशव्यापी आंदोलन चलते रहेगा। ये सरकार पर दबाव बनाने का जरिया है। मोदी सरकार अगर यह आंदोलन से अगर दबी नहीं तो निसंदेह कि इसके देशव्यापी गंभीर परिणाम होने वाले हैं, अर्थव्यवस्था पर होंगे, देश के आबोहवा पर इसके परिणाम होंगे। इसलिए मोदी सरकार सबक सीख ले और ताबड़तोब तीनों काले कृषि कानून वापस ले, ये हमारी मांग है आज के प्रति। काले जो कृषि कानून है वो वापस ले, ऐसी मांग की गई है, क्या बताओगे? रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है आज, अभी तो नारेबाजी हुई है, आगे की क्या आपकी ये है? नहीं, रेल रोको आंदोलन का काल है, हम आगे बढ़ना चाहेंगे, पुलिस वाले बढ़ने देंगे, देंगे नहीं देंगे तो हम उनके साथ ये करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जहाँ तक के कृषि कानून की बात है, किसान अपने खेती में खेत मजदूर होने वाला है, सबसे मुख्य बात। दूसरी बात, ये कानून जो है ये अदानी अंबानी के लिए लाए गए कानून है, इसकी वजह से ये जो कानून है आज किसानों के ऊपर उसका असर होगा, कल चल के तमाम ग्राहकों के ऊपर उसका असर होने की संभावना है। क्योंकि ये तीन कानून के अंदर एक बात और एक है कि बाद में 50% तक के महंगाई बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, इसका असर बाकी जनता के ऊपर होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका आम जनता भी विरोध करे। आज जो है कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर जो है रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, और साथ ही कहा जा रहा है अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा जो आंदोलन है आगे आने वाले दिनों में किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, 20 न्यूज़ नागपुर।